हेलो गाइस, आज की रेलवे जो ये लेक्चर्स चल रहे हैं, आपकी क्लासेस चल रही है, इसमें आपका स्वागत है। और आज हम रीजनिंग का डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं हमेशा यही बोलता हूँ, अभी भी यही बोलूँगा, जो लोग हमारा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास कंटिन्यूस नोटिफिकेशन आ सके और जितना हो सके अदर्स के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला जो है डायरेक्शन डिस्टेंस जो होता है, दूरी तथा दिशा वाला टॉपिक, उससे रिलेटेड है आपका क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं हमें बोला क्या क्या। रवि घर से निकलकर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल से चला, फिर वह दाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर साइकिल से चला, और फिर से दाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। इसके बाद वह बाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर साइकिल से चला। सीधे घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल से चलना पड़ेगा, यह आपसे पूछा गया है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम अपनी एक्सिस डिसाइड कर लेते हैं, हमारी एक्सिस क्या होगी। ठीक है, देखिए जो ऊपर की तरफ होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, नॉर्थ होता है, जैसे आप कहते हो नॉर्थ। नीचे क्या होता है आपका, साउथ होता है। राइट साइड में आप हमेशा ईस्ट को मेंशन करोगे और इधर वेस्ट को। देखिए, ईस्ट का मतलब पूर्व, वेस्ट का मतलब पश्चिम, साउथ का मतलब दक्षिण और नॉर्थ का मतलब होता है आपका उत्तर। देखिए, स्टार्टिंग में ही वह साउथ की तरफ चला है, मतलब दक्षिण की ओर चला है, लेकिन कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर साइकिल से। तो पहले उसके घर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या, घर है, घर ये रहा, यहां से चला वो लगभग यहां आया माना 10 किलोमीटर, हमारा कितना हो गया, ये जो मैं आपको मेंशन यहां पर कर दिया, ये कितना हो गया आपका 10 किलोमीटर हो गया। 10 किलोमीटर चलने के पश्चात देखिए, अब उसका डायरेक्शन किस साइड है, मुंह किस साइड है, नीचे की तरफ है। 10 किलोमीटर पढ़ने के चलने के पश्चात उसने क्या किया, वह दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मतलब क्या होगा आपका, क्लॉकवाइज, कैसा चलेगा वो, क्लॉकवाइज, क्योंकि भाई अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो वो मेरे लिए दायां होगा। ठीक है, तो दायां क्या हो जाएगा आपके लिए, कितना हो गया 5 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर कितना चल गया वो, 5 किलोमीटर आपका यहां पर चल चुका है। अब आपसे क्या बोला जाता है, 5 किलोमीटर चलने के पश्चात वह फिर से दाएं मुड़ा। अब वो क्या मिला है, आप पूरा क्लॉकवाइज चलाते हो, फिर से क्या मुड़ा, दाएं। तो अब मेरे लिए क्लॉकवाइज कैसा होगा, अगर मैं यहां पर हूं तो ऐसा ही चलेगा ना क्लॉकवाइज, तो फिर से दाएं मुड़ा और कितना चला, 10 किलोमीटर। ठीक है, कितना चला है, 10 किलोमीटर, तो यहां पर मेंशन कर लिया मैंने 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर आपसे क्या बोला गया, फिर वह कहां मुड़ा है, बाएं मुड़ा है और कितना चल दिया, 10 किलोमीटर। अगर वह बाएं मुड़ा, आप समझ रहे हो मेरी बात, यहां पर आ गया था वो, अगर वो बाएं मुड़ेगा, देखो ऊपर जाएगा, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये, अब अगर बाएं मुड़ा, बाएं कितना चला 10, तो हमने मान लिया 10 किलोमीटर हो गया। ठीक है, कितना चला, और ये तो ऑलरेडी आपको पता था, इतना हिस्सा 5 है, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, ये 5 किलोमीटर, तो वो कहां पर आ गया, इस पॉइंट। तो अब मैं मान लेता हूं घर का पॉइंट ए है और ये लास्ट पॉइंट है बी, तो ए से बी की जो दूरी थी उसे कितनी सीधी दूरी चलनी पड़ेगी अपने घर पहुंचने के लिए, देखो 10 और 5 कितना हो गया, 15 किलोमीटर, तो आपका आंसर कितना हो गया, 15 किलोमीटर उसे चलना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे किया हमने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 6 किलोमीटर चलने के पश्चात सुरेंद्र दाईं ओर मुड़ गया और फिर 2 किलोमीटर चला, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गया और फिर 10 किलोमीटर चला, अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ा था, मतलब आखिरी में जो 10 किलोमीटर है वो कहां की तरफ है, उत्तर की तरफ। तो यह बताइए उसने किस दिशा से यात्रा शुरू की थी। चलिए देखते हैं, डायग्राम बना लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको बोला क्या गया है, चलो देखते हैं, यहां से उसने कहीं स्टार्ट किया, चलो मैंने माना यह पॉइंट मान लिया, अभी मैं डायरेक्शंस नहीं ले रहा हूं। ठीक है, 6 किलोमीटर चलने के बाद, चलो ठीक है 6 किलोमीटर चला दिया भाई उसको मैंने, ये लो। ठीक है, 6 किलोमीटर चलने के बाद सुरेंद्र दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर कहां होगा भाई, अगर वो इस साइड जा रहा है तो क्लॉकवाइज ही चलेंगे, और कितना चला, 2 किलोमीटर चला, चलो ठीक है। फिर वह किस साइड मुड़ गया, फिर वह मुड़ गया आपका, अगर आप देखो यहां पर, तो अगर यहां पर क्या मुड़ गया आपका वो, चलिए मैं एक बार और बोल देता हूँ इसको अच्छे से नॉर्मल में। हमने यहाँ पर क्या किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक पॉइंट मेंशन किया है। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ सुरेंद्र ने इस ए पॉइंट से स्टार्टिंग करी है, अभी आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट, इससे वह स्टार्ट करता है, कितना चलता है भाई, मैंने मान लिया यहाँ पर वो कितना चला, अभी मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ कौन से डायरेक्शन क्या है, बस मेंशन कर लिया 6 किलोमीटर चला, मैं कहीं भी ले सकता था 6 किलोमीटर, आप हॉरिजॉन्टल लेते हो हॉरिजॉन्टल भी ले सकते थे। ठीक है, अब 6 किलोमीटर चला, उसके बाद वह कहाँ मुड़ गया,
दाई ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, दाई ओर ये हो जाएगा भाई, मैंने मान लिया दाई ओर है मेरा, कितना चला है 2 किलोमीटर चला है। और उसके बाद वह 10 किलोमीटर चला किस साइड, लेकिन बाएं मुड़कर साइकिल से कितना चला 10 किलोमीटर। तो बायां क्या होगा, देखो आपका क्लॉकवाइज कैसा होता है, क्लॉकवाइज ऐसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाता है आपका बायां, तो बायां किस साइड होगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में रहूं ऊपर तो बायां कितना चला 10 किलोमीटर, कितना चला है 10 किलोमीटर। देखिए यहां पर हमने मेंशन कर लिया, अगर आप देखो तो मैंने यहां पर क्या मेंशन किया है, साउथ हमारा नीचे होता है, अगर आप डायरेक्शन देखो तो ऊपर किस तरफ बढ़ रहा है, वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। और उसने स्टार्टिंग कहां से की थी, देखो ओरिएंटल एक पॉइंट से करी थी, स्ट्रेट गया था फिर मुड़ा, फिर तो वो डायरेक्शन कहां जा रही, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है साउथ। तो उसने कहां से चलना स्टार्ट किया, साउथ से, किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। अगर आप यहां देखो तो ये पॉइंट आपको क्या दिखा रहा है, नीचे का, और ये पॉइंट क्या है, उत्तर की तरफ। अब चल रहा है यहां से, वो उत्तर की तरफ उसने जाना स्टार्ट किया था यहां पर। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी यहां से कि वो अब कहां जा रहा है, अब वह उत्तर की तरफ जा रहा है। तो ये आपका पॉइंट, अगर आप यहां देखो ये साउथ हुआ, साउथ से कहां गया, ईस्ट मान सकते हैं इस डायरेक्शन को। फिर उसके बाद उसने कहां पर जाना स्टार्ट किया, नॉर्थ की तरफ। तो स्टार्ट कहां से किया था उसने, साउथ। तो साउथ से कहां जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उसने कहां से, साउथ से स्टार्ट किया था, और जो आपका आके वो कहां आया, साउथ से उत्तर की तरफ गया है। तो उसने किसकी तरफ डायरेक्शन लिया अपनी, उत्तर की तरफ लिया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अब ब्लड रिलेशन पे जो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम शेयर करने वाले हैं, जो काफ़ी पूछे जा चुके हैं ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन शेयर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एक लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के एकमात्र पुत्र का, सुरेश ने कहा वह मेरी माँ के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, सुरेश का लड़के के साथ क्या संबंध है। यहां पर आपको एक चीज क्लियर है, एकमात्र क्या था, सुरेश जो है, सुरेश ने एक लड़के की तरफ इशारा करा, ठीक है, वो लड़का कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, वो बॉय कहा मेरे पिता के, ठीक है, सुरेश के फादर के इकलौते पुत्र। तो सुरेश के फादर का इकलौता पुत्र कौन है, सुरेश ही है भाई। जब सुरेश बात कर रहा है, सुरेश खुद की बात कर रहा है, इकलौती संतान, इकलौता पुत्र है, तो सुरेश ही होगा, प्लस का इकलौता पुत्र। तो भाई ये सुरेश का क्या हो गया, ऑलरेडी लड़का हो गया, सुरेश अपने ही पुत्र की बात कर रहा था। तो सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है, तो यहां पर हम कहेंगे पिता का, ठीक है, क्योंकि इकलौती संतान थी, इकलौता पुत्र था, और इकलौता पुत्र अगर सुरेश ही है, और सुरेश बोल रहा है उस इकलौते पुत्र का बच्चा है ये, तो किसका हुआ ऑलरेडी, ये किसका हो गया, सुरेश का ही। चले देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा, उसकी पोती मेरे भाई की एकमात्र पुत्री है, इशारा करते हुए कहा कि मेरे भाई की एकमात्र पुत्री है, महिला का अभिजीत से क्या संबंध है। देखिए आपको क्या बोला गया है, एक महिला की तरफ इशारा करते बोला, उस महिला की, महिला हमने मान ली यहां पर, ठीक है, उसे हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, हमने महिला को मेंशन कर लिया एफ से, फीमेल है वो, ठीक है, फीमेल के साइन को हम किससे मेंशन करते हैं, माइनस से। उस महिला के इकलौती पोती, इकलौती पोती मेरे भाई के इकलौती पुत्री है, मेरे भाई की एकमात्र पुत्री है। तो उसके भाई की, अब जो इसकी पोती है भाई, एक जनरेशन नीचे ही आएगी, अब इसकी पोती, महिला की पोती यहां पर लिख देते हैं, क्या नाम है, ग्रैंड डॉटर, उसे हम किससे मेंशन करेंगे, माइनस से मेंशन करेंगे यहां पर, है ना। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं अब पूरा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, रीड आउट कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको बोला जा रहा है अभिजीत ने एक महिला की तरफ, अब वो महिला ये रही, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसकी पोती मतलब महिला की पोती, अभिजीत के भाई की इकलौती क्या है, लड़की है। तो ये क्या हो गई, इसकी बेटी हो गई, किसकी, इसके ब्रदर की। और यहां पर क्या हुआ, इस महिला की क्या हो गई, ये ग्रैंड डॉटर हो गई। तो ये बोला गया है, अब जो वो महिला है वो अभिजीत का उससे क्या संबंध है, तो वो अभिजीत की भी क्या हो जाएगी, जब भाई उसके भाई की वो माँ है, उसके भाई की क्या हो जाएगी, माँ, क्योंकि जब भाई उसके भाई की लड़की उसकी पोती हुई, तो अभिजीत का भाई क्या हुआ, उसका बेटा। और अभिजीत भी इनडायरेक्टली, अब डायरेक्टली क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसका बेटा, क्योंकि अभिजीत और ये क्या है, आपस में भाई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका,
मदर, हम जनरेशन वाइज करते हैं यहाँ पर कि मतलब जो सबसे छोटी जनरेशन वो सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, तो ये सबसे बड़ी थी घर पे, तो ये सबसे टॉप पर आई और फिर हमने उनके हिसाब से ऐसे मेंशन कर लिया यहाँ पर। चले देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर लाइन को स्क्वायर लिखा है, तो आर्क को यहां पर क्या लिखे। देखिए आर्क लाइन रेशियो स्क्वायर है, देन आपको प्रोपोर्शन में दिया है, आर्क को आप क्या लिखोगे? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आर्क को आप क्या लिखोगे? तो देखो यहां पर लाइन को जब स्क्वायर लिखा है, लाइन से क्या बना? एक स्क्वायर वर्ग बना। कितनी लाइन होती? लाइन से मिलकर ही बनता है भाई, उसके बिना तो बन नहीं सकता स्क्वायर वर्ग। अब आपसे बोला आर्क, तो आर्क से क्या बनेगा? आपके ऑप्शंस हैं रिंग, स्फीयर, सर्कल और स्पैरो। तो आपको क्लियर है यहाँ पर रिंग ना बोलते आप सीधा सीधा क्या बोलोगे? आर्क आप किस लिए यूज करते हो? सर्कल बनाने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सर्कल। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए इसमें लिखा है फ्रूट्स रेशियो बनाना, देन आपका प्रपोर्शन दिया है मैमल, मैमल्स दिया है, मैमल दिया, फिर रेशियो में बोला गया क्या? देखिए अगर फ्रूट दिया, फ्रूट की जगह पे क्या दिया? बनाना। फ्रूट क्या होता है? एक नॉर्मल है, फ्रूट में एक प्रजाति होती है जो खाने वाली होती है, वो क्या होती है? बनाना। फ्रूट का टाइप क्या हो गया? एक बनाना। ऐसे ही आपको मैमल बताना पड़ेगा, मैमल का मतलब होता है स्तनधारी। तो आपके ऑप्शन क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका फिश, दूसरा है आपका स्पैरो, तीसरा है आपका स्नेक और चौथा है आपका काऊ। तो स्तनधारी इसमें से कौन सा है? काऊ। तो हम यहां पर आंसर में क्या लिखेंगे भाई? एक मैमल का टाइप क्या है यहां पर? काऊ। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ रेशो में? काऊ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है आपका, अर्थ सन, अर्थ रेशो सन, मून। तो मून के रेशो में क्या आएगा? एनीबडी कैन गैस इट? देखिए मैं तो डायरेक्ट गैस कर लेता, कोई ऑप्शन की भी नीड नहीं थी। चलिए आपको ऑप्शन भी बता देता हूं, ऑर्बिट, स्काई, स्टार और अर्थ। मतलब ऑर्बिट, ऑर्बिट जिसमें चक्कर लगा जाता है वो कहलाती है। उसके बाद आपका स्काई, स्काई मतलब आसमान। फिर आपका क्या बोला गया है यहाँ पर? आपका स्टार, स्टार मतलब तारे, या बोला गया अर्थ मतलब पृथ्वी। तो देखो अर्थ, तो यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क कीजिएगा? तो देखो अर्थ सन के चक्कर लगाती है, अर्थ रेशो सन, इनका रिलेशन कैसा हो रहा है? अर्थ सन के चक्कर लगाती है। ऐसे मून किसके चक्कर लगाता है? अर्थ के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ मतलब पृथ्वी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने आपके दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि क्या है, टोटली कंप्लीटली बेस्ड है आपकी सीरीज पे। तो सीरीज पैटर्न भी काफी पूछा जाता है, तो आज मैं आपके लिए वो भी लेके आया हूँ। तो देखिए पहला जो आपका दिया हुआ है यहाँ, अब आपका जो ये पहला क्वेश्चन दिया है, अगर आप देखो यहाँ पर क्या दिया है, 2, 3, 8, 27, 112 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या रिलेशन चल रहा है? तो देखो मैं पहले देखता हूँ, चलो दो से एक बड़ा, चलो फिर पाँच, कितना बड़ा? पाँच। फिर पाँच से कितना बड़ा? चलो देख लेते गैप पे देखते हैं, तो 19 के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा। मतलब जैसे ही बड़ी संख्या आ जाए एक गैप बाद, तो मतलब कैसा चल रहा है? गुणा में चल रही है चीज़ें, मतलब मल्टीपल में हम आसानी से गैस कर सकते। अब यहाँ पर क्या हो सकता था भाई? 2 अंदर 2 प्लस 1 या 2 2 4 माइनस 1। तो देखो 2 2 4 माइनस 1 करके देख लेता हूँ मैं एक बार सॉल्व। अब यहाँ पर अगर मैंने 2 2 4 किया तो 3 2 6 या 3 3 9 माइनस 1, चलो यहाँ भी सुइटेबल हो गया। ठीक है, फिर 8 4 मुझे करना पड़ता 32 माइनस 1, क्या हो रहा है? नहीं हो रहा, 30 बनाना था। अब यहाँ देखता हूँ 2 1 2 प्लस 1, चलो ठीक है, 3 2 6 प्लस 2। तो यहाँ पर जिसका मल्टीप्लाई करो वही संख्या जोड़ रहा हूँ, चलो बढ़िया। 8 3 24 प्लस 3, तो यहाँ 27 आ गया। 27 4 108 प्लस 4 112। तो अब यहाँ किसका गुणा होगा? 5 का, और प्लस क्या हो जाएगा आपका? 5। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 112 गुणा 5 प्लस 5। तो ये आपकी प्लेस वैल्यू यहाँ की हो जाएगी। 112 का 5 में करेंगे तो कैसे हो जाएगा आपका? 560 प्लस 5, मतलब 565। आपका आंसर कितना हो गया? 566। अब देखते हैं नीचे वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है। यहाँ भी अगर हम गैप देखें तो यहाँ पहले कितने का था? 4 का, फिर 9 का, फिर 16 का, फिर
25 का, फिर 36 का। तो देखो मैं गैप पे ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, गैप से भी करो तो भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन वैसे, लेकिन अगर आप देखो चार किसका स्क्वायर होता है, दो का। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि जितने भी कंप्लीट स्क्वायर होते हैं यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, 4, 9, 16, 25। अब यहाँ पर याद है पाँच का स्क्वायर होता है, भाई ये तो चार का होता है, ये तो तीन का होता है, ये तो दो, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर, छः का स्क्वायर, तो अगला किसका होगा, सात का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 49, जो कि किसका है, 7 का। यहाँ किसका हुआ था, 6 का स्क्वायर प्लस हुआ था, यहाँ किसका हुआ था, 5 का स्क्वायर प्लस हुआ था, यहाँ किसका हुआ था, 4 का स्क्वायर प्लस हुआ था, यहाँ किसका हुआ था, 3 का, और यहाँ 2 का। तो आपका जैसे ही 49 जो 7 का स्क्वायर है वो यहाँ प्लस होगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, अगला नंबर जो क्वेश्चन मार्क में आना था वो कितना हो जाएगा, 140। तो आपका आंसर कितना है यहाँ पर, 140। तो इन तरीकों को हमें ध्यान में रखना है, स्क्वायर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी आपके लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेके आएंगे जो काफ़ी पूछे जाते हैं रीजनिंग और मैथ्स में। तब तक के लिए शुक्रिया, और अगर आप चाहते हैं हम किसी और, जैसे मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, किसी और टॉपिक पर भी वीडियोज़ बनाए, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.